हमें भेड़ों की तरह उस झुंड का अनुसरण नहीं करना चाहिए जो हमारे सामने है, बल्कि हमें वहां जाना चाहिए जहां हमें जाना चाहिए, न कि वहां जहां बाकी सब जा रहे हैं। कुछ लोग बादलों की तरह होते हैं, जब वे गायब हो जाते हैं तो यह एक सुंदर दिन होता है। केवल उस व्यक्ति पर भरोसा करें जो आप में ये तीन चीजें देख सकता है, आपकी मुस्कान के पीछे का दुख, आपके गुस्से के पीछे का प्यार और आपकी चुप्पी के पीछे का कारण। यदि आपकी अनुपस्थिति उन्हें प्रभावित नहीं करती है तो आपकी उपस्थिति का कभी कोई महत्व नहीं था। किसी मकसद के लिए काम करें, तालियों के लिए नहीं। पुराने लोगों के बीच एक नया आप बनने की कोशिश करना बंद करें। आपके शब्दों का मूल्य कम होने लगता है जब आपके कर्म उनसे मेल नहीं खाते। गिरना एक दुर्घटना है, नीचे रहना एक विकल्प है। हर बात को सहते मत रहो, सिर्फ मरी मछलियां ही धारा के साथ बहती हैं। अपने जीवन से जोकरों को हटा दें, इससे पहले कि आप खुद उनमें से एक बन जाएं। अपने लक्ष्यों के बारे में चुप रहें, जल्द ही आपके परिणाम खुद बोलेंगे। अगर आपके पास शुरू करने का हौसला है तो सफलता पाने का हौसला भी है। पुराने रास्ते नए दरवाजे नहीं खोलते। आपके पास दो विकल्प हैं, आगे बढ़ें या एक ही गलती दोहराते रहें। सकारात्मक रहने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि चाहे चीजें कैसी भी हों, आप ठीक रहेंगे। ज्ञान में निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। हम केवल अब में जीते हैं, बाकी सब या तो अतीत है या अज्ञात। आपका हर चीज को देखना या सुनना जरूरी नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद आज नहीं लेकिन धीरे धीरे। चीजें बिना वजह नहीं होती, वे आपको कुछ सिखाने के लिए होती हैं। जितनी बार आप चुनौतियों का सामना करते हैं उतना ही कम आप उनसे डरते हैं। जब आप खुद को एक नए व्यक्ति में बदल रहे हों तो धैर्य रखें। यह बदलाव समय ले सकता है, लेकिन सब्र रखना महत्वपूर्ण है। यदि आप जोखिम नहीं उठाते तो आप हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काम करेंगे जो जोखिम उठाता है। आशा रखें लेकिन उम्मीद न करें, आगे देखें लेकिन इंतजार न करें। जो लोग आपकी चुप्पी को नहीं समझते वे कभी आपके शब्दों को नहीं समझेंगे। जब आप जीत रहे हों तो अपना मुंह बंद रखें। अपने सामने वाली सीढ़ी पर ध्यान केंद्रित करें, पूरी सीढ़ी पर नहीं। यह समय ले रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि यह नहीं हो रहा है। कभी कभी आपको कुछ पुलों को जलाना पड़ता है ताकि आप उन्हें फिर से पार न करें। आप वही प्राप्त करते हैं जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उस पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं। आप कुछ महीनों में कहां होंगे यह इस पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। जब आप थक जाएं तो रुकें नहीं, रुकें जब आप काम पूरा कर लें। अभी करो, कभी कभी बाद में का मतलब कभी नहीं होता है। जो आपके दिमाग में चलता है वह आपके जीवन को नियंत्रित करता है।
अगर संघर्ष नहीं है तो प्रगति नहीं है। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें जिसने आपको दो बार से अधिक निराश किया हो। एक बार चेतावनी थी, दूसरी बार एक सबक, और उसके बाद जो भी होता है वह बस फायदा उठाना है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो दृष्टिकोण और विचारों के बारे में बात करते हैं, लोगों के बारे में नहीं। हर विशेषज्ञ कभी एक नौसिखिया था। अलग होने से मत डरें, इस बात से डरें कि आप सबकी तरह ही हो रहे हैं। सच बोलने में कुछ नहीं जाता, लेकिन एक झूठ आपसे सब कुछ छीन सकता है। कई बार आपका दायरा छोटा हो जाता है, लेकिन उसकी कीमत बढ़ जाती है। दिल की कठोरता से बुरी एक ही चीज है, और वो है दिमाग की नासमझी। हम जितनी देर तक अपने दुर्भाग्य पर ध्यान देंगे, हमें नुकसान पहुंचाने की उनकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। कभी कभी जब चीजें बिखर रही होती हैं, तो वे वास्तव में अपनी जगह पर आ रही होती हैं। अगर यह आपको चुनौती नहीं देता, तो यह आपको बदल नहीं सकता। जब आप गलत हों तो मान लें, जब आप सही हों तो चुप रहे। याद रखें, अगर आप छोटा खेलेंगे तो छोटे ही रहेंगे। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने का एकमात्र तरीका यह है कि जो आप नहीं चाहते उसे खाएं, जो आपको पसंद नहीं उसे पिएं, और जो आप नहीं करना चाहते उसे करें। एक टूटा हुआ वादा कोई वादा न करने से बेहतर है। एक बार जब आप महसूस करते हैं कि आप बेहतर के हकदार हैं, तो छोड़ देना सबसे अच्छा निर्णय होगा। हमेशा इस अंतर को समझें कि आपको क्या मिल रहा है और किसके आप वास्तव में हकदार हैं। गलत होने की कीमत कुछ न करने की